जब हमारे देश में लोकपाल आया, आप सभी ने देखा है कि अन्ना साहब ने काफी लंबा एक तरह से आंदोलन किया, उसके बाद लोकपाल बना, तो ये माना जाने लगा था कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यानी कि लोकपाल को लोग कहने लगे थे कि कोई जादुई छड़ी आ चुकी है, आप व्यक्ति शिकायत करेंगे भ्रष्टाचार की और उसका तुरंत निराकरण होगा और इससे काफी देश में सुधार भी होने को मिलेगा। लेकिन मेरा तब भी मुझे लगता था और आज भी लगता है कि देखिए, सभी लोग जब तक जागरूक नहीं होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कानून ले आइए, कोई भी आप लोग बिल ले आइए, कुछ भी लाइए, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, आप ही हम ही देखते हैं, अगर हमें कहीं काम करवाना होता है तो हम लोग ज्यादा टाइम लगता है, आप सभी जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी करवाने के चक्कर में 1-500 का नोट दे देते हैं, तो कहां से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और सरकार को भी इस पर ध्यान देना हो कि जल्दी काम हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिले, जन्म ही ना हो भ्रष्टाचार का। तो अभी हाल ही में लोकपाल ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, ये आपकी शिकायतों के लिए आप शिकायत कर सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं और आपका जो लोकपाल है इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बनते रहेंगे, और मैं वैसे भी आपको अगर जागरूक नागरिक हैं तब भी आप लोगों को लोकपाल के बारे में मालूम तो होना चाहिए। अब आप देखिए, आपकी क्षेत्र में देख लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी के पीछे अपना काम करवाने के लिए फिरना पड़ता होगा। आपके हाथ में सूचना का अधिकार दे दिया गया, आपके मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, लोकपाल आपको दिया गया है। देखिए, इतने आसानी से नहीं मिले जितने आसानी से आप लोग सोच लेते हैं, इसके पीछे बहुत परिश्रम रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, कई लोगों को इसमें जान देनी पड़ी है तब जाकर ये हमें सब मिले हुए हैं। इनका उपयोग करिए और जागरूक रहिए। अर्थव्यवस्था की आशा से कम सफलता में भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण तत्व है और यह लोकतंत्र और विधि के शासन को कमजोर कर देता है। क्या भ्रष्टाचार? और इसी समस्या से निपटने के लिए भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद घोष की नियुक्ति साल 2019 में की गई थी, और उनकी नियुक्ति के साथ ही लोकपाल के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी गई थी, और उसके बाद से ही यह संस्था लगातार आगे बढ़ रही है। और अभी हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन किया हुआ है। तो इसके पहले अध्यक्ष को आप लोग जरूर याद रखिएगा, पिनाकी चंद घोष को, क्योंकि इससे देखिए जीके का क्वेश्चन बन गया है कि पहले लोकपाल कौन थे अध्यक्ष, तो पिनाकी चंद घोष, 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी। क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। और लोकपाल शिकायत एक वेब आधारित सुविधा है, यानी कि वेबसाइट आपको मिलेगी जो उत्तरदायी, पारदर्शी और दक्ष तरीके से शिकायतों का निष्पादन तेजी से करेगी और सभी हितधारकों को लाभ मिलेगा, यानी कि आप लोगों को लाभ मिलेगा। और पोर्टल प्रत्येक शिकायतकर्ता के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है, और जिससे शिकायत के जीवन चक्र के दौरान शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति देख सकता है कि जो आप लोगों ने कंप्लेंट डाली हुई थी, जो शिकायत की हुई थी, उसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची हुई है। मुझे लगता है कि आप सभी के पास स्मार्टफोन आज के समय में है, अगर आपसे कभी इस तरह की कोई भ्रष्टाचार दिखता है, आपको दिखता है, आपसे कहीं पैसे मांगे जाते हैं, तो आप वहाँ वीडियो बना सकते हैं ना, और यहाँ आप लोग शिकायत कर सकते हैं, आपके पास एक साक्ष्य भी रहेगा उसका, यानी कि उसकी शिकायत पर कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है, और इस बात की जानकारी डैशबोर्ड पर आपको अपडेट की जाती रहेगी। और शिकायतकर्ता को शिकायतों के विभिन्न चरणों में एक ईमेल अलर्ट प्राप्त होगा, और साथ में ही लोकपाल और उसकी कोई पीठ द्वारा पारित आदेश की प्रति भी आपको पहुंचती रहेगी, इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध बनी रहेगी। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत की लोकपाल संस्था स्थापित की गई, और ताकि इस कानून के दायरे में आने वाली सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके, और मौजूदा वक्त में डाक तथा ईमेल से भेजी गई या हाथ से दी गई शिकायतें भारत के लोकपाल द्वारा सुनी जाती हैं। लेकिन अब भारत के सभी नागरिक लोकपाल ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, और किसी भी स्थान से किसी भी समय शिकायत आप लोग दर्ज कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे URL, इसे आप लोग इस वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। क्या करवा पाएंगे? दर्ज करवा पाएंगे। और अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस अधिनियम को जरूर याद रखिएगा, ठीक है? और इस पोर्टल को आप लोग
याद रखिएगा। और आपको अगर लगता है कि आपको शिकायत करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं इसमें जाकर। और बात अगर हम लोग इसके इतिहास की करें तो दुनिया के सबसे पहले लोकपाल साल 1809 में स्वीडन देश में नियुक्त किया गया था। अगर आपसे दुनिया में पूछता है, क्वेश्चन आता है कि दुनिया में पहली बार लोकपाल किस देश में बनाया गया था, नियुक्त किया गया था, तो याद रखिए 1809 में स्वीडन में हुआ था। और आप सोचिए कि हमने कब किया हुआ है, 2019 में, यानी कि इतना फर्क है हम में और दुनिया में। स्वीडन में इसे ओम्बोड्समैन के नाम से आप लोग जानते हैं। ओम्बोड्समैन को भारत में लोकपाल या फिर लोकायुक्त कहते हैं आप लोग। और यह नामकरण साल 1963 में भारत के मशहूर कानूनविद डॉक्टर एल एम सिंधवी ने किया था। और भारत में सबसे पहले के एम मुंशी ने बजट के दौरान संसद में लोकपाल के मुद्दे को उठाया था। और इसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की 1966 की अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोग 1966 की सिफारिश पर साल 1968 में लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में पेश किया गया था। देखिए इसमें एक और बात बताता हूं आपको, अगर इस पे आंसर लिखने के लिए आता है, क्वेश्चंस आपको देता है, फिर चाहे स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विस हो, तो इन सब का वहां आप लोगों को बताना होगा इसके बारे में। लेकिन उस समय से ये पास नहीं हो सका और लोकपाल विधेयक को साल 1971, 77, 85, 89, 96, 98, 2001, 2005, 2008, 2011 में पेश किया गया। अब आप सोचिए कि इतनी बार पेश करने के बाद अब जाके पास हुआ है, लेकिन हर बार ये विधेयक किसी ना किसी बाधा के कारण पारित नहीं हो सका। और इस तरह तमाम नाकाम कोशिशों के बाद साल 2013 में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा में ये पारित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति ने इससे बिल को मंजूरी प्रदान की है। अगर आप लोगों को कोई कानून बनवाना है तो आप सभी जानते हैं कि आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा है इसमें कोई प्रस्ताव आता है उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की उस पर सहमति मिल जाती है तो उसे आप लोग कानून कहने लगते हैं, ठीक है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति होगी। तो याद रखिए इसकी जो लोकपाल की नियुक्ति की बात होगी तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, वही इसकी नियुक्ति करेगी। और इस समिति में कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया गया एक सदस्य भी इसमें शामिल होगा। इन सबको याद रखिएगा, नेता विपक्ष ना होने के कारण लोकपाल की नियुक्ति का मामला 2013 से 2019 तक अटका हुआ था। और बाद में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति इसलिए अवैध नहीं होगी क्योंकि चयन समिति में कोई पद रिक्त नहीं है। अगर कोई पद रिक्त है तब भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है। और याद रखिए सरकारों का एक तरह से मंशा ही नहीं थी इसे लाने की। लोकपाल कानून 2013 के मुताबिक केंद्र में लोकपाल, राज्य स्तर पर लोकायुक्त होंगे, राज्यों में भी आप देखते हैं लोकायुक्त। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय होगी जिसमें एक तो अध्यक्ष होंगे और अधिकतम आपको 8 सदस्य देखने को मिलेंगे। और इसमें आधे यानी कि 50% न्यायिक सदस्य शामिल होंगे और 50% आपको सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से देखने को मिलेंगे, यानी कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके इसका भी ख्याल रखा गया है। और इस पद की न्यूनतम आयु मानदंड की बात करें तो 45 वर्ष रखी गई है। और चयन बोर्ड के बाद अध्यक्ष और सदस्य 5 साल के कार्यकाल या फिर 70 साल की उम्र पद तक बने रह सकते हैं। यानी कि इस पद पर अगर आप लोगों को रहना है, किसी की नियुक्ति की जाती है तो वो 5 साल या 70 साल जो भी पहले हो तब तक बना रहेगा। लोकपाल अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भारत के प्रधान न्यायाधीश के बराबर होंगे और सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अब आप लोग वहां काम करोगे तो आप फ्री में तो करोगे नहीं, कुछ तो लोगे, तो उसी की बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को लेकर लोकपाल से शिकायत कर सकता है और शिकायत किस प्रकार से की जाएगी यह लोकपाल तय करेगा और इसकी जानकारी दी जाएगी। और प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है और लेकिन इसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। लोकपाल कानून से जुड़ा एक मुद्दा काफी चर्चा में रहा है, वह यह है कि इसकी धारा 63 के मुताबिक प्रत्येक राज्य में कानून के लागू होने के एक साल के भीतर ही लोकायुक्त की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। तो आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री को भी इसके अंतर्गत रखा गया है, प्रधानमंत्री की भी जांच हो सकती है, तो काफी हद तक रिजल्ट इसके मिल सकते हैं। लेकिन वही हाल है
कि आप कितने भी कानून ले आइए, कोई भी संस्था बनाते रहिए, जब तक जनता जागरूक ही नहीं होगी, जनता को मालूम ही नहीं चलेगा कि इस तरह का उसे कुछ हथियार मिला हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसमें हम लोग सफलता हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सरकार कोई कानून लाने से पहले लोगों में जागरूकता बढ़ाए तो उसके बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। खैर, आप लोग इस क्लास को याद रखिएगा, इसमें जो पॉइंटों पे हम लोग बात की हुई है उन्हें भी याद रखिएगा। चलिए, हम तो नई क्लास में मिलते रहेंगे, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए।